सत्कार योग्य हुए मेरे साथी किसान। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर आईसी। आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डरों के ऊपर किसानों मजदूरों की हाजिरी को बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख का प्रोग्राम, 24 तारीख से क्योंकि गेहूं की कटाई का सीजन है वो समाप्त होने जा रहा है। लोगों ने तूड़ियां बनाने का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया। सब पूरे हरियाणा के अंदर 24 तारीख की तैयारी है। 24 तारीख को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हजारों किसान, क्योंकि दो दिन पहले भी पंजाब से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर पहुँचे हैं, तो हरियाणा के अंदर हाजिरी किस तरीके से बढ़ाई जाए उनको मोटिवेट करने के लिए जितने भी हरियाणा के टोल प्लाजे हैं, जितने भी पक्के मोर्चे हैं, उन सभी के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे के जो नेता हैं वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। सो किसान चारों, इससे पहले पंजुआने के अंदर भी प्रोग्राम है, उसके बाद में यहां भावदिन सुचान टोल प्लाजा के ऊपर भी राकेश टिकैत जी यहां पे पहुंच रहे हैं, उनके साथ में किसान नेता संयुक्त मोर्चे के युद्धवीर सिंह और बाकी अन्य किसान नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मोटिव एक ही है कि तीन काले कानूनों के खिलाफ जो ये लड़ाई है वो कमज़ोर नहीं हुई है। अब आने वाले एक सप्ताह के अंदर ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पे मजबूत होने वाली है। हजारों की संख्या में किसान पहले से ज़्यादा संख्या के अंदर वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए आज यहाँ पे जो है वो राकेश टिकैत और बाकी किसान नेता जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आम जन का ये, क्योंकि जो आंदोलन है ये अकेला किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर वर्ग का आंदोलन है, क्योंकि ये तीन काले कानून सरकार ने पास किए हैं। ये काले कानून का असर हर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, देश में जमाखोरी बढ़ जाएगी, देश में भुखमरी के हालात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। जिस तरह से राकेश टिकैत साहब बोलते हैं कि रोटी को तिजोरी में बंद करने की जो साजिश है वो सरकार कर रही है, और इस साजिश को हर वर्ग जो है वो देश का वो समझ चुका है, और हर वर्ग का पूरा सहयोग जो है वो आंदोलन को मिल रहा है। ये तो सरकार की बेवकूफ़ी है, ये सरकार की नाकामी है। सरकार के एक साल पूरा हो गया कोरोना के आए हुए, उन्होंने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मजदूर हैं वो बेचारे पैदल ही जो हैं वो रातों रात, मोदी जी जो हैं वो रात को 12 बजे के बाद लॉकडाउन लगा देते हैं। उनके लिए पूरा व्यवस्था नहीं थी, पूरा बंदोबस्त नहीं था। जितने भी परिवहन के साधन थे, रेलें हैं, बसें हैं, ये सारे उन्होंने बंद कर दिए, और उसके बाद उनकी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दुर्गति हुई। सो ये एक डर का माहौल जो है वो, ये सरकारों की नाकामी मानता हूँ मैं इसको, कि सरकार अच्छे प्रयास करती तो ये इस तरह की सिचुएशन ना पैदा होती। देखो जी, किसान आंदोलन, कुछ लोग ये गलत इंप्रेशन दे रहे हैं कि कमज़ोर हुआ है। किसान का सीजनल है, और बीच में मौसम की खराबी के कारण थोड़ी कणक की कटाई जो है, तूड़ी बनाई थोड़ी देरी हो रही है, अदरवाइज ये 5-7 दिनों में समाप्त होने वाली है। और किसान फिर से दिल्ली की तरफ चला, कल 15-20 हज़ार का जत्था उगराह जी की गवाही में गया है, और सरकार अफवाहें छोड़ रही है कि आंदोलन को फीलर लगाने की कोशिश कर रही है कि इसको देखें, ये आंदोलन ना मुक्केगा ना छुट्टेगा। अब ये कह रहे हैं कोरोना का बहाना है। देखो जी, पिछले साल जून में लॉकडाउन का नजायज फायदा उठा के, जैसे प्रधानमंत्री जी की आदत है कि आपदा को अवसर में बदलो, ये आपदा के अवसर को लूट के अवसर में बदलना चाह रहे हैं, किसानों को बेजमीन करना चाह रहे हैं। खेती के साथ जितनी भी जुड़ी हुई व्यवसाय है, चाहे हलवाई है, चाहे कपड़े वाले है, चाहे सब्जी वाले है, चाहे दूध वाले है, चाहे मत्स्य पालन वाले हैं, सब लोग प्रभावित होंगे। स्टॉक करने पर इन्होंने रोक हटा दी है, तो महंगाई जो पैदा करके, नकली कमी पैदा करके जिस प्रकार लोगों का ये खून चूसना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था तो बैठ ही गई है, उद्योग पीछे जा रहा है, विकास रुका हुआ है, तो खेती पर ही है इनकी। वैसे एक मैं और कारण समझता हूँ, वो कारण ये है कि अरबों का जो पेट्रोल है वो ख़त्म होने के कगार पर है, और सरकार सोचती है कि अरब में ये जो मध्य एशिया वाला रास्ता है खुलेगा भाया पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो यहाँ की साग सब्जी, यहाँ के फल फ्रूट, यहाँ की उपज सारी उधर जाएगी, तो ये पूंजीपति जो है उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं, किसान ये मौका नहीं देंगे। बिल्कुल मजबूत हुआ है, सरकार अंदर से हिली हुई है, ऊपरी तौर पर बहादुरी दिखा रही, कभी अफवाह फैलाती है कि ऑपरेशन क्लीन करेंगे, करके देख लेना। कल आपने देखा होगा कि कुंडली मानेसर बॉर्डर पर जोर जमाई करने की कोशिश कर रहे थे, ये रैपिड एक्शन फोर्स वर्दी से तो लग रहे थे,
तो ये अगर ये इनकी आखिरी गलती होगी, प्रधानमंत्री जो है ये समझ लें कि किसानों के साथ पंगा जो लिया है ना, जो नेपोलियन के साथ वाटरलू में हुआ था, समझ गए ना, फ्रांस का जनरल था नेपोलियन, वाटरलू में हारा था 1818 में, तो ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत का बुजड़ प्रधानमंत्री जो है समझ नहीं रहा, इसको समझ नहीं है। मैं तो कहूँगी ये बुजड़ है, इसको समझदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार चोरी से लए हैं, वह इस प्रकार ही चोरी से ऐलान कर दे कि मैं वापस ले आए, उसके बिना इसका कोई गुजारा नहीं होने वाला है। एक किरण मेहर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी मगर सुबह हमारी होगी।